जैसे कि इस गाड़ी में टॉर्क कितने में निकलता है 4000 आरपीएम में, है ना, हमें 4000 आरपीएम से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए वैसे, क्योंकि उसमें पावर मिल जाता है इंजन की लाइफ के लिए ना। आप उसको इतना अच्छा मेंटेन करके रख सकते हैं। हां, वो एक पैदा हुआ बच्चा आप उसको 21 दिन से चलाने दौड़ा दोगे तो धीरे-धीरे धीरे दौड़ेगा, उस वैसे उसको संभाल के रखोगे तो लॉन्ग लाइफ चलेगी, नहीं संभाल के रखोगे तो अच्छा छोड़ दोगे। इसका आरपीएम कम है, जैसे कि ये इसका ऊपर आरपीएम 6000 आरपीएम है ना। अब देखिए ना, इन गाड़ियों में आरपीएम सेट नहीं कर सकते, जो आएगा कंपनी रिकॉर्डिंग ही आएगा, हम इसमें थ्रॉटल सेट नहीं कर सकते, BS6 पे BS4 में BS3 में थ्रॉटल सेट कर सकते हैं, आरपीएम सेट कर सकते हैं, इसमें तो फ्यूल इंजेक्शन है। हां, फ्यूल सेटिंग में सेटिंग है। हां, डोल टूल से, तो डोल टूल में आएगा। ओके, उसका इधर ट्रांसफर तो कभी कर सकते हैं, कभी आएगा तो इसमें कुछ ऐसा इशू ही नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं है। इसमें है क्या ABS है और सिर्फ हमारा FIE है बस, और कुछ है क्या इसमें? क्या देख रहा है? मैं सोच रहा हूँ उसको फिटिंग कर देते हैं, बराबर पता नहीं राजू कहाँ रह गया। अच्छा, चेन तो पूछ करके थोड़ी होगी, तो चेन का काम कर, चेन डिली करनी है, तो चेन डिली करनी है, इसमें नया काम करना है, सबकी टाइट करते हैं, इसकी डिली कर बहुत टाइट है। लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, लुब्रिकेंट रखेंगे, अगर आप चेन स्प्रे नहीं भी इस्तेमाल करते हो तो भाई वाले का क्या काम है, वो भी सपोज जैसे कि मैं अगर आज लेके जाता भी हूँ तो क्या बार है, आज शुक्रवार, सोमवार को मिल पाएगी इंटरनेशनल मिस्त्री है हमारे, अरे कुछ दो कुछ कितना मिनट हो रहा है, सब खेल उसी में से जी। चल और ये मैं कोड़ी होगा क्या, कल पकड़ को देख कर
Thank you.